दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के लोगों के लिए सोमवार सीजन का सबसे ठंडा और सबसे प्रदूषित दिन रहा। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ने की वजह से लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 दर्ज किया गया। रविवार को AQI 171 था, सोमवार को इसमें काफी गिरावट दर्ज की गई। PM 2.5 का स्तर 414 और PM 10 का स्तर 330 तक पहुंच गया, जो खतरनाक और इमरजेंसी की श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। दिल्ली NCR में 8 से 12 नवंबर के बीच प्रदूषण बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही प्रदूषण से बचने के लिए बेहतर क्वालिटी का मास्क पहनने की सलाह भी दी है।